बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को अपशब्द कहकर विवादों में घिरे शिवसेना सांसद संजय राउत पर चारों ओर से सोशल मीडिया पर हमला किया जा रहा। वहीं राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना ने भी संजय राउत से माफी मांगने की बात कही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बॉलीवुड स्टार कंगना रनावत को मुंबई आने के लिए साफ मना किया था, जिसके बाद उन्होंने कंगना के लिए अपशब्द का भी उपयोग किया, लेकिन केंद्र सरकार ने कंगना की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी भी प्रदान की। यह मुद्दा काफी गर्माया हुआ है। इसमें अब राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना भी कंगना के समर्थन में है। 9 सितंबर को मुंबई पहुंचकर उनका भव्य स्वागत करने की बात कही। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि हम कंगना रनावत का पूरा समर्थन करते हैं। संजय राउत ने जल्द से जल्द उनसे माफी मांगनी चाहिए। साथ ही 9 सितंबर को कर्णी सैनिक मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर कंगना को उनके घर तक सुरक्षित छोड़ आएंगे। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना। पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत के केस में कंगना रनावत जी ने जो सामने आके मोर्चा संभाला था, उस मुद्दे पे कंगना रनावत जी का और संजय राउत जी के काफी झगड़े हुए और उस मुद्दे की काफी गर्मावट देखते हुए संजय राउत जी ने जो भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है कंगना रनावत के लिए, वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसका निषेध करते हैं। हिंदुस्तान की किसी भी महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का वापर करना, ये हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है और इसीलिए हम चाहते हैं कि संजय राउत जी इसके लिए सारे हिंदुस्तान की महिला से माफी मांगे। और रही बात कंगना रनावत की सिक्योरिटी की, तो आने वाले 9 तारीख को इसकी झलक श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना दिखाई देंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी, उनके आदेशानुसार सारे हिंदुस्तान के कर्णी सैनिक मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं और कंगना रनावत जी का भव्य स्वागत करके उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे शहरी अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष जगदीश भानुरा जी और महिला अध्यक्ष मुंबई की आराधना सोलंकी जी ने उनको वहां दी गई है और हमें पूरा विश्वास है कि उसे पूरी तरीके से संपूर्ण करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजपूतान। हालांकि सोमवार को संजय राउत ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हरामखोर का दूसरा मतलब होता है, यहाँ पर इसका मतलब नौटी और बेईमान होता है, लेकिन संजय राउत ने फिर इस बयान पर सियासत गर्माने लगी है। इनबीसीएन न्यूज के लिए एकता गहरवार की रिपोर्ट।